मैं सभी भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि उल्टी सीधी वीडियो बना के ना डालें, हिंदू मुस्लिम के ऐसे ना भड़काएं, आपस में दंगे करवाने की कोशिश ना करें। जो तुम लोग सोच रहे हो ना, जो हिंदू मुस्लिम को दूर करा देंगे, जो उनका भाईचारा है उसको अलग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बैठे बैठे घर में वीडियो बनाने लग रहे हो तुम, ठीक से। और एक आज नोएडा ऐसी वीडियो आ रही, कह रहा कि नोएडा उसमें सोना के सारे गुजर एक हो जाओ, ये कर दो वो कर दो। अरे सारे गुजर मुसलमान एक है वहाँ, तू मत बता, तू किसी को इंट मत दे, ठीक है। कह रहा कि हमने रुद्राज को पैसे दे दिए, जब 3 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए हम रुद्राज के लिए जोड़ सकते हैं तो हम तुम्हें भी जगह दे सकते हैं, घर दे सकते हैं। ओ भाई तेरे हाथ जोड़ू, ठीक है। ये ना ये हवाबाजी, ये बातें बतोड़े यहाँ मत कर, ठीक है। तू घर देगा, जगह देगा, खेत देगा, तो अपने घर में पेंट करा ले, जहाँ तू बैठ के वीडियो बना रहा था, बकवास कर रहा है। और भाई साहब ऐसी वीडियो मत बनाओ जिससे कि दंगे फसाद हो, पड़ गए यार। एक माँ का लाल चला गया बेचारी का, आसिफ, एक भाई का भाई चला गया, जिनके घर से जाना भाई उन नहीं पता रहे, ठीक है। ये फ्री की फिल्म मत करो यार, गलत बात है बिल्कुल यार। उनका लाल चला, तुम कहते हो कि यार उसने लड़की छेड़ी, उस पर धारा है, फल ये है वो है, यार क्या है उस पर, कुछ नहीं है भाई। प्रेजेंट टाइम का जो वहां का सरपंच है ना, संत लाल है वहां का, ठीक है, उसने अपने मुंह तक कही कि लड़का बहुत शरीफ है, उस पर कोई भी ऐसे नहीं है। जो अपोजिट पार्टी है उस पर खामा खा के आरोप लगा रही है, तुम्हारे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रशासन और न्यायपालिका पे भरोसा है, जिन्होंने अपराध कराया, जिन्होंने अपराध कराया उनको इस चीज की सजा मिलेगी, चाहे कोई कितने भी हो कर लो। और ये कह रहे निर्दोष मत फंसाओ, निर्दोष मत फंसाओ, तो भाई ऐसा करो दोषी को बता के तुम पकड़वा दो यार, पुलिस को अपना काम करने दो, जो पुलिस को कार्रवाई कर रही है वो करने दो उसको, बीच में कोई अड़ंग मत फंसाओ। और जितने भी मेरे मेवात के भाई हैं, मेवाती जितने भी मेरे युवा साथी हैं ना, कोई गलत वीडियो मत बनाओ। ये जो पुरानी वीडियो तुम बना बना के गिर रहे हो कि गुजर को यहाँ मारा वहाँ मारा, भाई वो सारी पुरानी वीडियो देख लो यार, सब समझदार हो तुम, किसी ने किसी को नहीं पीटा, ये रहते हैं उधर भी रहते हैं थोड़े बहुत, हर समाज में रहते हैं, ऐसे तो है नहीं। फ्री की बातें मत करो, ठीक है, और उल्टी सीधी वीडियो मत घेरो भाई। कोई रावड़ी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और एक हमारे राजा भाई हैं, राजा गुजर भाई, तुम कलाकार हो, कलाकार तक सीमित रहो, ऐसी उल्टी सीधी बात मत करो, हिंदू मुसलमान वाली बात मत करो। राजा गुजर भाई, हम भी आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप पे फैन है, ऐसा कोई होगा कि आप भी ऐसे हो करोगे? तुमने 3 वीडियो बनाई है 3 दिन लगातार, कब तुम बोलते हो थप्पड़ मार दूंगा उसको, ये कर दूंगा, ऐसे नहीं बोला करते भाई। आप पढ़े लिखे समझदार हो, ठीक है, आपको हम जैसों ने बनाया है, भूलो मत ये, ठीक है। हाँ पंचायतें चल रही हैं, अब पंचायतें चल रही, तुम उनसे बड़े हो गया, कोई भी उठा के वीडियो डाल देता है। और फिर एक बंदा कह रहा है वो कि निकिता केस में भी आसिफ था, अरे भाई निकिता केस में पुलिस ने उठा के कर दिए बंद, जज साहब ने सजा भी दे दी, उनको लाइफ टाइम की सजा होगी, अब उसको निकिता केस उठा रहे हैं भाई। जब निकिता का हत्याकांड हुआ था कोई भी मुसलमान कोई नहीं बोला था, क्योंकि उन लोगों की गलती थी, सजा हुई तो हम लोगों को खुशी हुई कि एक हमारी बहन को ऐसे उन्होंने मारा, गलत करा उन्होंने, उनको उस बात की सजा मिली है। तो तुम भी हिंदू मुसलमान मत करो भाई, जिन्होंने अपराध कराए उनको सजा मिलेगी। और ये मत बोलो कि एक हो जाओ, एक तो है भाई, अगर तुम एक होगे ना तो तुम इतने एक होने वाले हो ना। ऐसे करो मैं तुमसे एक बात पूछूं, पता है मुसलमान के रमजान चल रहे थे तो ऐसे भी मुसलमान भाई थे अपने रमजान में, अपने रोजा होते हुए भी उन्होंने अपने हिंदू भाई के लिए अपना रोजा तोड़ के प्लाज्मा दिया था। तुम इतने बड़े वो बन रहे हो ना वीडियो पे आके, देखा है हमने कोरोना से पेशेंट मर गए हैं, कंधा लगाने के लिए कोई नहीं है, उनके मुख अग्नि के लिए नहीं, जब भी मुसलमान आ गया आके उनके मुख अग्नि हिंदू रीति रिवाज से उनको दाह संस्कार कराए, और तुम बात करते हो आगे आ जाओ, इतने आगे वाले हो ना। तो जिन लोगों को सिलेंडरों की जरूरत है, जब कहाँ चले गए थे तुम लोग, जब कहाँ थे, अब आगे आ जाओ। मेरा मेवात ऐसा मेवात है जहाँ पे 36 बिरादरी रहती है, भाईचारे के साथ रहती है, अमन के साथ रहती है, मोहब्बत के साथ रहती है। तुम बाहर के लोग आके मेरे मेवात के अंदर दंगे फसाद फैलाने की कोशिश ना करें। मेवात पढ़ा लिखा सामाजिक है, और हमें किसी भी नेता से भरोसा नहीं है, हमें अपने भाइयों पर ही भरोसा है, हमें अपने प्रशासन पर भरोसा है, हमें हमारी न्यायपालिका पर भरोसा है। और सुन ले मेवात के नेतागण, बार बार नाम लेना नहीं चाहता मैं, जो विधायक प्रेजेंट टाइम के वहां के और जो नहीं है, और जो मुसलमानों के नेता और चहेते बने फिरते, तुम अपना आने वाले टाइम के अंदर अपना बिस्तर बांध लेना। ये विधायक अफताब अहमद, जावेद, इलियास,
मोहम्मद इसराइल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं बात याद रखेगी तुम लोगों को, ध्यान रखना ये बात। और सभी भाइयों से मेरी अपील है, उल्टी सीधी वीडियो ना बनाएं, भाईचारा बना रहने दें। मेरी बात के अंदर पहले से ही भाईचारा, तुम ना बिगाड़े। कोई भी आके, पंचायतें चल रही हैं, जो भी आदेश होगा उसका सभी पालन करेंगे, जो भी प्रशासन करेगा उसका भी आदेश का पालन करेंगे, जो न्यायपालिका करेगी उसके लिए भी आदेश पालन हम सब करेंगे मिलकर। और वीडियो बनाना बंद कर दो, उल्टी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी सीधी नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।